तुम कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने अपने घर में महफूज रखें। आप सब खैर खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ। तो आज हम बनाएंगे जो चिकन रोल बनाएंगे, तो देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं ये अपने जो जो मेरे पास घर में मसाले होंगे मैं वही इस्तेमाल करूँगी ताकि बनाने में सबके लिए आसानी रहे। तो अब इसमें शामिल कर लेते हैं ये मैंने मेरे पास आधा किलो चिकन है, इसको मैंने साफ़ करके और रख लिया है। इस पर पानी जो है छलनी में से निकाल के जैसे चिकन देते हैं थोड़ी ये होगी है, बिल्कुल आपको इसमें पानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें शामिल कर लेते हैं स्पाइस सारे। तो स्पाइस जो है वो नमक जाएगा टू टेस्ट, एक टीस्पून के बराबर जाएगी पापरिका, हाफ टी स्पून के बराबर जाएगी हल्दी, एक बार के टीस्पून तंदूरी मसाला, एक टीस्पून के बराबर जाएगी कसूरी मेथी, उनके बराबर मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी, उनके बराबर मैं करी पाउडर शामिल करूँगी। ये भी ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हल्दी से भी काम चलेगा। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो मैं सारी तकरीबन रेसिपी में शामिल करती हूँ ये। टू टेबल स्पून जो मैंने सिरके का शामिल किया, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल, थोड़ा सा इसमें शामिल कर लेंगे लेमन का रस। अब ये मैंने एक टेबल स्पून के बराबर डाल के हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट के इसे अब मोटा मोटा कूट लूँगी, और मैं ये दूसरी जो मेरे पास वेजिटेबल है वो मैं शामिल करूँगी। ये मेरे पास जो है क्रेप की हुई है, बल्कि इसे हल्की हल्की काट ली हुई है बारीक छुरी के साथ कटिंग बोर्ड पे, दोनों चीज़ें ये गाजर और बंद गोभी ये भी मैं शामिल करूँगी इसमें रोल्स में। पैन में मैंने तेल थोड़ा सा शामिल कर लिया, और अब इसमें जाएंगी ये सब्ज़ियाँ, पहले हल्की सी हम फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। एक टी स्पून के बराबर चिली पाउडर, फूटी हुई मिर्च भी शामिल कर लेंगे, लहसुन निकाल लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये मैंने बिल्कुल फुल आंच पे इसे फ्राई किया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब मैं चिकन को जो है वो कर लूँगी उसे पैन में पका लूँगी, बल्कि फ्राई कर लूँगी तेज़ आंच पे। उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी कम करके तो इसे थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए और सही तरह नरम हो जाए चिकन। अब हम इसे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए बंद कर देंगे, कवर करेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ताकि चिकन में जो पानी होता है वो सारा वो निकल जाएगा, और उसके बाद हम तेज़ आंच पे पानी खुश करके तो इसके रेशे कर लेंगे चिकन के। अब हम देख लेते हैं चिकन की, चिकन तकरीबन अपना पानी जो है छोड़ चुकी है,
पानी कम थोड़ा सा कुछ होने के लिए इतनी देर में सुखा लेते हैं। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं बंद गोभी और गाजर, तो फिर से मिक्स करेंगे इसे चिकन में।